Hello everyone, welcome to our YouTube channel AudioVerse. Genius Dr. Black Belimis. Chapter 561 to 570. Fan Juo ne bhonghe uthai aur kaha, agar aisa hai, to mujhe bhi isme shamil kar lijiye. Qiao Chu ke chehre par ek vistrit muskan aa gayi. Tumne yahi kaha? Bilkul, Fan Juo ne sir hilaya aur vah Aditi ki or muda Rajput. Choti Aditi, tum 12 mahalon se khoi hui anath nahi ho. Aap isme kyon shamil hai? अदिति राजपूत ने अपनी आंखें ऊपर उठाई और शांति से उत्तर दिया, घर जाने के लिए। फैन झुओ ने पूरी तरह से भ्रम की स्थिति दिखाई। अदिति राजपूत ने अचानक अपना हाथ उठाया और उसकी उंगलियों के सामने एक धुंध दिखाई दी, जो धीरे धीरे उसके बगल में एक स्थान पर एकत्रित होकर एक छोटी सी आकृति का आकार बना रही थी। मेह, भगवान मेह मेह, जो बिना कोई आवाज किए आलस्य से एक तरफ झुक गया था, अचानक आकृति बनने लगी। यह देखकर उठ खड़ा हुआ, उसकी आंखें शानदार ढंग से चमक उठी। तो सुगंधित अर्घ, मुझे मत काटो, छोटा कमल अभी अभी प्रकट हुआ था और भगवान मेह मेह तुरंत उस पर झपट पड़ा और उसके मुलायम गोलमटोल छोटे शरीर को जमीन पर दबा दिया। इसके बाद उन्होंने ऊनी गेंद देखी जो लॉर्ड मेह थी। मेह खुशी से लिटिल लोटस पर चढ़ गया। लिटिल लोटस के छोटे गोलमटोल चेहरे पर अपनी छोटी गीली जीभ को लगातार चाट रहा था। उस समय लिटिल लोटस अचानक हुए हमले से रोने लगा। मेह से उसे चबाने की प्रबल इच्छा प्रबल रूप से निकल रही है। मेह पौधे जैसी आत्माएं हमेशा शाकाहारी जीवों की इच्छाओं के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होती है। फैन झुओ की आंखें चौड़ी हो गई जब उसने लिटिल लोटस को देखा, जिसका लार्ड मेह द्वारा असहाय रूप से उल्लंघन किया जा रहा था। मैं छोटी अदिति की रिंग स्पिरिट एक पौधे जैसी स्पिरिट है, क्याओ चू ने मदद करते हुए कहा। अंततः फैन झुओ पर इसका प्रभाव पड़ा। मध्य क्षेत्र में हर कोई जानता था कि 12 महलों से एक पौधे की आत्मा कितनी रुचि आकर्षित करेगी। दूसरों द्वारा मांगे गए बेशकीमती खजाने पर कब्जा मात्र से ही निर्दोष को अपराधी माना जाएगा। अदिति राजपूत की वनस्पति आधारित भावना निस्संदेह उसे अंतहीन उत्पीड़न दिलाएगी। यदि वह जीवित रहना चाहती है तो उसे 12 महलों से अधिक मजबूत बनना होगा और उन्हें अपनी अंगूठी की आत्मा के पीछे वासना का साहस करने से डरना होगा। फैन झुओ वास्तव में जोर से हंसा, उसकी आंखें बिल्कुल चमक उठीं। आखिरकार जो कहा गया है, इस कमरे में हर कोई 12 महलों के दुश्मन है। यह सही है, हुआ याओ ने सकारात्मक सिर हिलाते हुए उत्तर दिया। चूंकि यह मामला है, आइए हम सभी डार्क सम्राट के खजाने को पुनः प्राप्त करें और उन्हें अच्छे उपयोग में लाएं। इतना कहने पर फैन झुओ ने अपने कूल्हे से एक ब्रोकेट बैग निकाला और उसे खोला। मेज पर त्वचा पर बना एक पुराना और फटा हुआ नक्शा खुला पड़ा था। उन्होंने उस मानचित्र पर जो देखा, वह वास्तव में उनके पास मौजूद मानचित्र के समान ही लग रहा था। फैन झुओ ने बताया, उस समय मेरे माता पिता एक साथ हेवेंस एंड पीक पर चढ़े थे। डार्क सम्राट के मकबरे के नक्शे का एक हिस्सा मेरी माँ की पीठ पर भी बनाया गया था। मेरे पिता 12 महलों में लौटने के बाद काफी समय तक वापस नहीं आए। मेरी माँ को संदेह हुआ कि कुछ गलत हो गया है और उन्होंने नक्शा अपनी पीठ से काट लिया और उसे ठीक से छुपाने के लिए मुझे सौंप दिया। इसलिए डार्क एम्परर के मकबरे का नक्शा शुरू से ही पूरा नहीं हुआ था, क्योंकि डार्क एम्परर के मकबरे पर जाने वाले लोगों की संख्या वास्तव में 7 नहीं बल्कि 8 थी। और डार्क सम्राट की कब्र के नक्शे का अंतिम भाग फैन झुओ के हाथों में रखा गया, जो एकमात्र बच्चा था जो 12 महलों के अंतहीन उत्पीड़न के तहत सभी बाधाओं के बावजूद जीवित बचा था। इस नए तथ्य की जानकारी के साथ क्याओ चू और अन्य लोगों को अचानक झटका लगा। हमें पहले पता चला था कि ज़ेफायर अकादमी के भीतर कोई व्यक्ति 12 महलों के संपर्क में था। 12 महलों ने नक्शों के अपने हिस्से उन संबंधित शक्तियों को दे दिए थे जिन्हें वे निचले क्षेत्र में तैयार कर रहे थे। आपके पास जो टुकड़ा है वह 12 महलों से नहीं था, तो क्या आपके पिता के पास एक और है? उनके लक्ष्य संरेखित होने के बाद हुआ याओ को अब अपनी शंकाओं को दूर रखने की कोई आवश्यकता नहीं दिखी। फैन झुओ ने अपना सिर हिलाया। मेरे दत्तक पिता 12 महलों के संपर्क में नहीं है। वह मेरी वास्तविक पहचान जानता है और यह असंभव है कि वह उनके साथ इस प्रकार का संपर्क स्थापित करेगा। इसलिए यदि आपको प्राप्त जानकारी सत्य है तो 12 महलों से संबंध रखने वाला व्यक्ति कोई और होगा, मेरे पिता नहीं। यदि फैन क्यूई नहीं तो यह कौन हो सकता है? हुआ याओ और उसके साथियों को अचानक अपने विकल्पों पर पुनर्विचार करना पड़ा। वास्तव में अगर हम वास्तव में यह पता लगाना चाहते हैं कि यह कौन है, तो हमारे पास एक सुराग है जिस पर हम काम कर सकते हैं, फी यान ने अचानक कहा। आपका मतलब मुखियान फैन से है? रोंग रो ने पूछा, उसकी भौहें तन गई। फी यान ने सिर हिलाया। मुखियान फैन ने कहा कि किसी ने उन्हें पैसे दिए और हेवेंस एंड क्लिफ पर जाने के लिए कहा। इसके अलावा लिटिल झुओ ने पहले ही हमारे लिए पुष्टि कर दी है कि डार्क सम्राट की कब्र वास्तव में हेवेंस एंड क्लिफ के नीचे है। इसका मतलब यह होगा कि जिस व्यक्ति ने म्यू कियान फैन और उसके भाइयों को वहां जाने का आदेश दिया था, वह वही व्यक्ति होगा जिसका 12 महलों से संबंध होगा और उसके पास नक्शा होना चाहिए। म्यू कियान फैन उनकी अपेक्षा से कहीं अधिक मूल्यवान सहयोगी बनता जा रहा था।
वह न केवल उन्हें हेवेंस एंड क्लिफ पर लाने में सक्षम था बल्कि ज़ेफायर अकादमी के भीतर उस व्यक्ति की पहचान करने के लिए और अधिक सुराग प्रदान करने में सक्षम था जिसके पास नक्शा था। अदिति की ओर देखने से पहले फियान एक क्षण रुका, राजपूत से पूछा और गंभीर स्वर में पूछा, छोटी अदिति, क्या तुम मुखियान फैन को उसके जहर से पूरी तरह ठीक करने में आश्वस्त हो? अदिति राजपूत ने धीरे से उत्तर दिया, हाँ। अदिति के साथ राजपूत ने एक शब्द में उत्तर दिया, फियान निस्संदेह आश्वस्त था। इससे पहले बेहतर होगा कि हम हेवेंस एंड क्लिफ की यात्रा करें और देखें कि वह जगह क्या है। हमारे पास अभी भी जगह का पूरा नक्शा नहीं है और हालांकि हम डार्क सम्राट के मकबरे का सटीक स्थान नहीं ढूंढ पाएंगे, लेकिन क्षेत्र की बेहतर समझ निश्चित रूप से हमारी मदद करेगी, हुआ याओ ने तर्क दिया। हुआ याओ ने जो कहा उससे सभी सहमत थे। उनकी चर्चाएं समाप्त होने के बाद वे सभी अलग हो गए और अपने अपने काम में लग गए। चैन लिन नीलामी घर में, नीलामी शुरू होने में अभी दो दिन बाकी थे और वे उस अवधि के दौरान चैन लिन टाउन में ही रहेंगे और अदिति राजपूत मुखियान फैन के शरीर के भीतर जहर के लिए मारक दवा बनाने पर आमादा थे। दिन तेजी से गुजरे और चैन लिन नीलामी घर ने एक बार फिर अपनी नीलामी खोली और इस बार नीलामी से पहले ही हे चांग ले ने पूरे चैन लिन टाउन में इसका प्रचार करने के लिए लोगों को काम पर रखा था। शब्द यह था कि आगामी नीलामी में उनके पास न केवल बहुमूल्य और असामान्य खजाने की सामान्य श्रृंखला होगी बल्कि उनके पास दुर्लभ और अमूल्य अमृत का एक गुच्छा भी होगा। बहुत से लोग जिनकी नीलामी में वास्तव में कोई दिलचस्पी नहीं थी, अचानक उनके कान खड़े हो गए और नीलामी घर की ओर दौड़ पड़े। दुर्लभ और अमूल्य अमृत, चाहे समय कोई भी हो, स्थान कोई भी हो, हमेशा बहुत मांग में रहा है। हालांकि इस बात का कोई विवरण नहीं है कि उनके पास किस प्रकार के अमृत जारी किए गए थे, लेकिन वस्तुओं और वस्तुओं के उच्च मानकों के आधार पर चैन लिन नीलामी घर हमेशा अपनी नीलामी में लाने में कामयाब रहा था। यह आम सामान नहीं होगा। इस दिन चैन लिन नीलामी घर सामान्य से अधिक भरा हुआ दिखाई दे रहा था। नीलामी अभी शुरू भी नहीं हुई थी और भूतल पहले से ही खचाखच भर गया था, जबकि दूसरे स्तर के सभी निजी कमरे पूरी तरह से ले लिए गए थे। सौभाग्य से क्याओ चू ने एक दिन पहले ही आकर हे चांग ले से बात की थी और उनके शामिल होने के इरादे के बारे में बताया था और उनके लिए एक कमरा आरक्षित कर दिया गया था। जब अदिति राजपूत और उसके साथी उस स्थान पर पहुंचे, यहां तक कि दूसरे स्तर तक जाने वाली सीढ़ियां भी लोगों से भरी हुई थी। इससे पहले कि वे उनके लिए आरक्षित कमरे तक पहुंचने में कामयाब हो सकें, उन्हें बहुत सारे लोगों को पार करना पड़ा। स्वर्ग, क्या इतना पागल होने की जरूरत है? आज जगह पर बहुत भीड़ है ना? क्याओ चू ने अपने जूते अपने हाथों में पकड़ रखे थे। सीढ़ियां चढ़ते समय बढ़ती भीड़ के कारण उसके दोनों जूते फिसल गए थे और वह लगभग उन्हें खो चुका था। उसकी त्वरित प्रतिक्रिया ने उसे और उसके अभी भी नए जूतों को बचा लिया था जो उसने अभी कुछ समय पहले ही खरीदे थे। उनके कमरे में तैनात नौकर ने मुस्कुराते हुए उन्हें चाय परोसी। यह जानते हुए कि ये है चांग ले के सम्मानित अतिथि थे, उनका रवैया विशेष रूप से चौकस था। माई यंग, आप शायद यह नहीं जानते होंगे, लेकिन आज की नीलामी के लिए हमने जो आइटम तैयार किए हैं वे सामान्य से कहीं अधिक दिलचस्प है। स्पिरिट पत्थरों के सामान्य समूह के अलावा हमारे पास उत्तम और अमूल्य अमृतों की एक चमकदार रेखा है जिसने लगभग पूरे शहर के लोगों को यहाँ खींचा है। नीलामी अभी तक शुरू नहीं हुई है और यह तब नहीं है जब हमारे यहाँ सबसे ज्यादा भीड़ होती है। एक बार नीलामी शुरू होने के बाद जगह तेजी से बढ़ेंगी। क्या अमृत वास्तव में लोगों के बीच इतना लोकप्रिय है? क्याओ चू ने अपने जूते पहनते हुए पूछा, उसकी आंखें प्रत्याशा से भर गई। आप बताओ, आसमान के नीचे अच्छी गुणवत्ता वाले अमृत बनाने और उसकी खेती करने में सक्षम लोग केवल कुछ ही कुलों से आए थे। जब से किंग युन कबीला अचानक गायब हो गया, बाजार में अमृत की आपूर्ति बहुत कम हो गई थी और उन कुछ अन्य कुलों को जो पहले किंग युन कबीले द्वारा दबाए गए थे और अमृत उत्पादक स्थानों के रूप में उनकी प्रतिष्ठा को खत्म कर दिया गया था, अचानक उनकी किस्मत उलट गई थी। आनंद ले रहे थे अद्वितीय मान्यता और अत्यधिक सम्माननीय। यहां तक कि आम मेडिकल हॉल और जड़ी बूटियां बेचने वाली दुकानों में भी अमृत की कीमतों में कई गुना वृद्धि देखी गई है। नौकर ने देखा कि क्याओ चू इस विषय में दिलचस्पी ले रहा था और बिना रुके बड़बड़ा रहा था। किंग युन कबीला भले ही भ्रष्ट हो गया हो और उन्होंने घृणित कार्य किए हो, लेकिन यह एक बहुत बड़ा कबीला था और फिर भी उन्होंने लोगों को हर महीने भारी मात्रा में अमृत प्रदान किया था। 12 बुजुर्गों द्वारा उत्पादित अमृत के अलावा इनर हाउस के शिष्यों ने पूरे देश में लोगों को बड़ी मात्रा में अमृत और औषधियों की आपूर्ति की थी। हालांकि वे अमृत और औषधियां उच्च श्रेणी की नहीं थी, लेकिन मेडिकल हॉल और जड़ी बूटियों की दुकानों में बिकने वाली सामान्य जड़ी बूटियों और औषधियों की तुलना में वे बहुत बेहतर गुणवत्ता की थी और पूरे देश में शीर्ष कबीले के रूप में किंग युन कबीले की प्रतिष्ठा ने उनकी अमृत आपूर्ति की मांग को और बढ़ा दिया था। और इस प्रकार किंग युन कबीले के गायब होने से अचानक अमृत की आपूर्ति में भारी कमी हो गई। न केवल शीर्ष ग्रेड के अमृत की आपूर्ति बहुत कम हो गई बल्कि एक ग्रेड निचले स्तर के अमृत की भी मात्रा बहुत कम हो गई। अमृत की अपर्याप्त मात्रा के कारण लोगों को अमृत की सभी घटी आपूर्ति को खरीदने पर अधिक महत्व देना पड़ा जो उन्हें मिल सकता था।
अमृत का उत्पादन करने वाले कई कबीले लंबे समय से संबद्ध थे या विभिन्न शक्तियों के साथ जुड़े हुए थे और उनके द्वारा उत्पादित सर्वोत्तम अमृत हमेशा उनके सहयोगियों को आपूर्ति की जाती थी और केवल एक छोटा सा हिस्सा जो अधिक या निम्न गुणवत्ता का होता था उसे बाहरी रूप से बेचने के लिए जारी किया जाता था। उन कुछ कुलों के अलावा यहाँ तक कि जो व्यक्ति दवा उत्पादन में उत्कृष्ट थे वे या तो स्वयं प्रमुख परिवारों से थे या प्रमुख शक्तियों द्वारा भी भर्ती किए गए थे और जो मात्रा वे उत्पादन कर सकते थे वह और भी कम थी। एक बार जब दवा उत्पादन में अत्यधिक कुशल व्यक्ति की खोज हो जाती तो विभिन्न शक्तियों के लोग तुरंत उसे भर्ती करने के लिए दौड़ पड़ते। गुणवत्तापूर्ण अमृत और औषधियां खरीदना अत्यधिक कठिन कार्य बन गया था और इसी कारण से जब चैन लिन नीलामी घर ने खबर जारी की थी कि उनके पास अमृत उपलब्ध है तो इसने कई लोगों का ध्यान आकर्षित किया था। विशाल नीलामी घर के भीतर यह स्थान उस भीड़ को समायोजित करने में असमर्थ होने के संकेत देने लगा था जो नीलामी में भाग लेने के लिए आगे आई थी। यदि यहाँ के युवा मास्टर्स अमृत के बैच में रुचि रखते हैं तो नीलामी के दौरान इसके लिए बोली लगाने के लिए आपका स्वागत है। बॉस ने हमें पहले ही इन अमृतों के बारे में सूचित कर दिया है। ग्राहक के अनुरोध के कारण नीलामी घर हमारे सम्मानित अतिथियों को उन पर विशेष विशेषाधिकार प्रदान करने में सक्षम नहीं होगा। नौकर ने देखा कि कियाओचू को हमेशा अमृत में दिलचस्पी थी और उसने माफी मांगते हुए समझाया। यदि यह कुछ अधिक सामान्य होता तो हे चांगले मालिक के रूप में अपनी स्थिति का उपयोग करके उनके लिए विशेषाधिकार के कुछ दरवाजे खोलने में सक्षम हो सकते थे, लेकिन इस बार नहीं और ऐसी कीमती वस्तुओं के लिए। कियाओचू हंसा और नौकर की ओर हाथ लहराया और उसे कमरे से बाहर निकाल दिया। अगर मुझे उनमें दिलचस्पी होती तो क्या आपको लगता है कि मुझे उन्हें खरीदने की जरूरत होती? मुझे उन्हें केवल छोटी अदिति से मांगना होगा। कियाओचू ने अप्रभावित और अविचल अदिति पर एक नजर डाली। राजपूत, उसकी मुस्कान से उसकी आंखें दो अर्धचंद्राकार में सिकुड़ गई। छोटी अदिति, क्या तुम सहमत नहीं होगी? अदिति राजपूत ने उस पर एक नजर डाली और ऐसे मूर्खतापूर्ण और मूर्खतापूर्ण प्रश्न का उत्तर देने से इनकार करते हुए दूर हो गया। अदिति से पूरी तरह निश्चिंत राजपूत के ठंडे व्यवहार के कारण कियाओचू ने हुआ याओ के खिलाफ एकजुट होकर पूछा, भाई हुआ, लिटिल अदिति ने आपको इस नीलामी में बेचने के लिए कितने अमृत दिए? हुआ याओ ने उत्तर दिया, 7 बोतलें। 7 बोतलें? हम अगर एक बोतल 1,00,000 टेल्स में बेची गई तो वह 700 टेल्स होगी। कियाओचू ने यह आंकड़ा गटक लिया और उस समय के आधार पर कीमत का अनुमान लगाया जब उन्होंने पहले जेफिर अकादमी के गेट के सामने एक चोर स्थापित किया था। इस बार का अमृत पहले से अलग है, अदिति राजपूत ने कियाओचू पर ठंडे पानी की एक पूरी बाल्टी फेंकते हुए शांति से कहा। जेफिर अकादमी के द्वार पर उस समय उसके पास कोई अन्य विकल्प नहीं था, या वह उन अमृतों को नहीं निकालती जो नसों और धमनियों को विकसित और सुधार सकते थे, लेकिन फिर भी उन्हें भारी कीमत मिलेगी, है ना? 7 बोतलों से हमें कम से कम 1,00,000 टन तो मिलना ही चाहिए, है ना? कियाओचू ने थोड़ा कम आश्वस्त महसूस करते हुए अपना सिर खुजलाते हुए पूछा। अदिति राजपूत ने उस पर एक नजर डाली। तुम्हें किसने बताया कि मैं उन्हें बोतल से बेच रहा हूँ? हुआ कियाओचू और भी अधिक भ्रमित था। हुआ याओ ने असहायता से अपना सिर हिलाया। वह कियाओचू को एक क्षण भी अधिक अपनी मूर्खता प्रदर्शित करते हुए नहीं देख सका। छोटी अदिति ने इस बार मुझे अमृत की 7 बोतलें दी और प्रत्येक बोतल में 5 अमृत है। मैंने पहले ही है चांगले के साथ इस पर चर्चा की है और वह इस बात पर सहमत हुए हैं कि प्रत्येक बोतल में मौजूद अमृत की व्यक्तिगत रूप से नीलामी की जाएगी, हर बार एक ही गोली के साथ। कियाओचू ने असमंजस में सिर हिलाया और काफी देर तक इस पर विचार करने के बाद वह केवल एक प्रश्न पूछने में सफल रहा। तब क्या हम बहुत सारा पैसा कमाएंगे? हुआ याओ ने कियाओचू पर पूरी तरह से अवमानना की नजर डाली और बौद्धिक रूप से कमजोर मूर्ख पर अपनी सांस बर्बाद नहीं करने का फैसला किया। कियाओचू अपनी नाक रगड़ते हुए उदास होकर वापस सिकुड़ गया। अचानक उसे महसूस हुआ कि उसे पानी पीने की जरूरत है। नीलामी घर में अधिक से अधिक लोग पहुंचे, आखिरकार वे दरवाजे भी बंद नहीं कर सके क्योंकि लोग खुद को अंदर खींचने की कोशिश करते रहे। ऐसी अभूतपूर्व स्थिति पहले कभी नहीं देखी गई और इससे अदिति को बहुत आश्चर्य हुआ। राजपूत जो दूसरे स्तर पर निजी कक्ष में बैठे थे, वह नहीं जानती थी कि अमृत की इतनी अधिक मांग है। हालांकि पहले जेफिर अकादमी के द्वार के सामने प्रतिक्रिया बहुत जबरदस्त रही थी, लेकिन जो अमृत उसने तब निकाला था उसमें स्वर्ग को मात देने वाले प्रभाव थे जो दुनिया में अनसुना था। इस बार उसने हुआ याओ को जो अमृत दिया था वह भी काफी अच्छा था, लेकिन उनके प्रभाव की तुलना पहले बेचे गए अमृत से नहीं की जा सकती थी। उन्होंने चांग ले ने केवल लोगों तक यह बात फैलाई थी कि चैन लिन नीलामी घर में उनके लाइनअप में अमृत होंगे और उनके प्रभावों के बारे में एक शब्द भी नहीं बताया था और इसने पहले ही इतनी जबरदस्त प्रतिक्रिया पैदा कर दी थी। अदिति राजपूत ने फैसला किया कि उसे अपने अमृत पर थोड़ा और ध्यान देना होगा। रुई लिन सेना के लोगों को दिया जाए और इसके अलावा उसने अपने अमृत में अधिक समय नहीं बिताया। वह फिलहाल लिन पैलेस लौटने में सक्षम नहीं थी और उसकी घटती आर्थिक स्थिति उसके लिए एक बड़ी समस्या बनती जा रही थी।
उसने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी कि क्याओ चू और अन्य लोग, जिन्होंने अपना आधा जीवन अत्यंत गरीबी में बिताया था, अचानक धन और समृद्धि प्राप्त कर लेंगे। तो यदि अमृत वास्तव में इतना लोकप्रिय था, तो क्या इसका मतलब यह होगा कि वह अपने खर्चों के लिए इससे लाभ कमा सकेगी? अदिति राजपूत ने अपना निष्कर्ष निकालने से पहले थोड़ा और निरीक्षण करने का फैसला किया। वे नीलामी शुरू होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और पूरी जगह पूरी तरह से भरी हुई थी। बहुत से लोगों के पास सीटें नहीं थी और वे किनारे और पीछे की दीवारों के सामने पंक्तिबद्ध थे। उसके सामने के दृश्य ने है चांगले को मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया। वह खुशी से अपना मुंह बंद नहीं कर पा रहा था। हालांकि चैन लिन नीलामी घर को हमेशा अच्छी प्रतिष्ठा और मजबूत समर्थन प्राप्त था, उन्होंने पहले कभी भी अपनी नीलामी में अमृत नहीं डाला था क्योंकि उनके आसपास कोई प्रमुख अमृत उत्पादक समूह नहीं थे। एक समय छोटा सा शहर ज़ेफायर अकादमी के कारण समृद्ध हुआ था और शहर के आगंतुकों का एक बड़ा हिस्सा ज़ेफायर अकादमी के ही शिष्य थे। आज की ही तरह नीलामी घर के भीतर खचाखच भरी भीड़ को देखने पर पता चला कि उनमें से कई ज़ेफायर अकादमी की वर्दी पहने युवा थे। ऐसा प्रतीत होता है कि वे यहां समूहों में एकत्र हुए थे, अपने लिए सर्वोत्तम सीटें पाने के लिए जल्दी पहुंचे थे और उनके चेहरों पर उत्सुकता के भाव से आज की नीलामी के लिए उनकी उच्च प्रत्याशा देखी जा सकती है। वह चांगले बहुत उत्साहित था। यहां तक कि उन्होंने भी यह उम्मीद नहीं की थी कि अमृत का एक गुच्छा चैन लिन नीलामी घर में इतने सारे लोगों को आकर्षित करेगा। यह चैन लिन नीलामी घर के इतिहास में अब तक देखी गई सबसे बड़ी भीड़ थी। बॉस, क्या हम शुरू कर सकते हैं? नीलामीकर्ता ने आखिरी बार हे चांगले की राय पूछी, क्योंकि उसने अपने कपड़े ठीक किए और सुनिश्चित किया कि सब कुछ क्रम में था। वह चांगले मुड़े और उस व्यक्ति को कंधे पर थपथपाते हुए उत्साहपूर्वक कहा, यह नीलामी चैन लिन नीलामी घर की प्रतिष्ठा को अनिश्चित काल तक प्रभावित करेगी। यदि इन अमृतों के साथ हम चैन लिन नीलामी घर को अगले स्तर तक लाने में सक्षम है, तो यह निस्संदेह हमारे लिए सबसे अच्छा परिणाम होगा। ये तो आपको अच्छे से याद होगा। आज आपको उत्कृष्ट प्रदर्शन करना होगा। आज जो भारी मतदान हो रहा है, वह सीधे तौर पर अमृत की ओर बढ़ रहा है। यदि आज हम उन्हें अपने परिणामों से संतुष्ट करने में सक्षम हैं, तो जब ग्राहक हमारे पास वापस आएगा, तो मैं उसके साथ विस्तार से चर्चा करूंगा कि क्या वह हमें स्थायी आधार पर अमृत प्रदान कर सकता है। अगर सब कुछ ठीक रहा, तो हमारा चैन लिन नीलामी घर सिर्फ एक छोटे से चैन लिन टाउन तक ही सीमित नहीं रहेगा। मैं निश्चित रूप से आज रात अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करूंगा। उस आदमी ने आत्मविश्वास से कहा, जैसे ही उसने एक बार फिर से अपने कपड़े खींचकर अंतिम जांच की। जाना, हमारे नीलामी घर का भविष्य आज रात निर्धारित किया जाएगा। वह चांगले फर्श पर कसकर भरी हुई भीड़ को बड़ी आशा से देखता रहा। हालांकि चैन लिन नीलामी घर को इस क्षेत्र में उच्च प्रतिष्ठा प्राप्त थी, लेकिन वे अनजाने में यहां विवश थे। अगर इस बार उनकी प्रसिद्धि फैल गई तो वह चांगले जितना अधिक इसके बारे में सोच रहा था, उतना ही उत्साहित होता जा रहा था। जैसे ही नीलामीकर्ता ने मंच पर कदम रखा, भीड़ में खुशी की लहर दौड़ गई। कर्कश जयकार की तीव्रता ने चैन लिन नीलामी घर की छत को लगभग फाड़ दिया। मंच पर खड़े होकर नीलामीकर्ता ने गटक लिया। वह चैन लिन नीलामी घर के अग्रणी नीलामीकर्ता थे और उन्हें परिवर्तनों के प्रति अपनी त्वरित अनुकूलनशीलता पर गर्व था। लेकिन अपने सामने उग्र और शोर मचाती भीड़ को देखकर वह अपने पैरों में थोड़ी कमजोरी महसूस किए बिना नहीं रह सका। अदिति राजपूत अपने निजी कमरे में दूसरी मंजिल पर बैठी थी। जब वह नीचे के शोर शराबे वाले दृश्य को देख रही थी, उसकी आंखें शांत थी। सबसे पहले मैं आज चैन लिन नीलामी घर में आपका स्वागत करता हूँ। मेरा मानना है कि हमारे सम्मानित अतिथियों ने यह खबर पहले ही सुन ली है। चैन लिन नीलामी घर में आज हमारे हाथों में सबसे कीमती और उत्तम अमृत का एक बैच है। हमें सौंपे गए अमृत के बैच की संख्या एक महत्वपूर्ण मात्रा है और उनके द्वारा प्रदान किए जाने वाले प्रभाव निश्चित रूप से संतोषजनक से अधिक होंगे। आइए, आपको अधिक बकबक करने से न रोकें। मुझे लगता है कि आप सभी इस बात में अधिक रुचि रखते हैं कि अमृत का आप पर क्या प्रभाव पड़ता है। बिना किसी देरी के, क्या हम चैन लिन नीलामी घर को नीलामी के लिए रखा गया पहला अमृत आपके सामने पेश कर सकते हैं? इसे लाने, नीलामीकर्ता ने गहरी आवाज में घोषणा की और उग्र और उपद्रवी भीड़ अचानक शांत हो गई। सभी की निगाहें बरबस सामने मंच की ओर टिकी हुई थी और उनकी निगाहें सामने लाई जा रही वस्तु पर टिकी थी। एक मनमोहक और आकर्षक महिला भूरे रंग की ट्रे लेकर मंच पर चली गई और अपने कूनों को संकेतात्मक ढंग से हिलाया। उस समय फर्श पर मौजूद लोग इस बात से बेपरवाह थे कि खूबसूरत महिला कितनी आकर्षक थी। उनकी नजरें ट्रे पर पड़े छोटे ब्रोकेड बॉक्स पर टिकी थी। यह आत्मा को तीव्र करने वाला अमृत है। एक बार निगलने के बाद यह उपयोगकर्ता को अपनी आध्यात्मिक शक्तियों के स्तर में एक सफलता प्राप्त करते हुए अपनी आध्यात्मिक शक्तियों में अस्थायी वृद्धि हासिल करने में सक्षम करेगा। प्रभाव एक दिन तक रहता है और उस दिन के भीतर उपयोगकर्ता को उस आध्यात्मिक शक्ति का अनुभव होगा जो उन्होंने पहले कभी प्राप्त नहीं की थी, और उपयोगकर्ता द्वारा उन शक्तिशाली विरोधियों को हराने के लिए उपयोग किया जा सकता है जिन्हें वे पहले कभी नहीं ले पाए थे।
हालांकि इसका प्रभाव केवल एक दिन तक रहता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण समय पर उचित रूप से उपयोग किए जाने पर यह अमूल्य है जो आपके जीवन को बचाएगा। नीलामीकर्ता ने उदारतापूर्वक समझाया और उन्हें एक दोस्ताना अनुस्मारक दिया कि इसका उपयोग सबसे कुशल कैसे होगा। और इस उदार परिचय ने मैदान पर मौजूद भीड़ को बेकाबू कर दिया था। जैसे जैसे उनकी आध्यात्मिक शक्तियों का स्तर ऊंचा होता जाएगा, उनकी आध्यात्मिक शक्ति में वृद्धि की गति अनिवार्य रूप से काफी धीमी हो जाएगी। बहुत से लोग कई वर्षों से और कुछ तो एक दशक से भी अधिक समय से अपनी वर्तमान भावना के स्तर में फंसे हुए थे। धीरे धीरे बीतते अंतहीन वर्षों में उनकी आध्यात्मिक शक्तियों में धीमी गति से हुई प्रगति ने उनमें से कई को निराशा में डाल दिया था और उनके लिए उस शक्ति का अनुभव करने का मौका जिसके लिए वे तरस रहे थे लेकिन कभी हासिल नहीं कर पाए, निस्संदेह एक बड़ा प्रलोभन था। हालांकि अमृत के बारे में सबसे बड़ा आकर्षण वह था जो नीलामीकर्ता ने उन्हें मददगार ढंग से बताया था। अपनी जान बचाने के लिए, चाहे वह किसी युद्ध में हो या किसी अभियान पर हो, एक अमृत जिसने उपयोगकर्ता को एक पल में अधिक शक्ति प्राप्त करने में सक्षम बनाया, वह वास्तव में एक अपूरणीय खजाना था। इस तरह के अमृत आम लोगों के लिए उतना बड़ा प्रलोभन नहीं हो सकते, लेकिन जब ज़ेफिर अकादमी के शिष्यों के सामने रखा गया, यह उनके लिए अपनी ताकत दिखाने का एक अचूक हथियार बन गया। एक दिन के लिए उन्हें ऐसी शक्तियां प्राप्त होंगी जिनका उन्होंने पहले कभी अनुभव नहीं किया था और अमृत उन्हें भविष्य में स्पिरिट हंट्स में किसी भी कठिन परिस्थिति से बाहर निकलने में सक्षम बनाएगा। स्वर्ग जानता है उन शिष्यों के लिए इसका कितना अर्थ होगा जो अंतिम भीषण स्पिरिट हंट माध्यम से अपना रास्ता बनाने में कामयाब रहे थे, जहां उन्हें कई शक्तिशाली स्पिरिट जानवरों द्वारा पीड़ा दी गई थी। कितनी बार उन्होंने अपनी शक्तियों को अपर्याप्त पाया था और आत्मिक जानवरों से डरकर भागने के लिए मजबूर हुए थे जो पहले इतने शक्तिशाली नहीं थे। इसके अलावा शिष्यों को पता था कि आध्यात्मिक शक्तियों की कमी के कारण उनके कई साथी शिष्यों ने उस स्पिरिट हंट अपनी जान भी गंवा दी थी। आत्मा को तीव्र करने वाला अमृत निस्संदेह एक अपूरणीय ताबीज बन जाएगा जो उनके जीवन को बचाएगा। उनकी आध्यात्मिक शक्तियों की तात्कालिक वृद्धि से उनकी गति चपलता में अत्यधिक वृद्धि होगी और वे और अधिक फुर्तीले हो जाएंगे। खतरे का सामना करने पर वे भागने और खुद को जीवित रखने के लिए असाधारण ताकत हासिल करने में सक्षम होंगे। लगभग उसी क्षण जब नीलामीकर्ता ने अपना परिचय समाप्त किया, फर्श पर मौजूद ज़ेफिर अकादमी के शिष्य खुद को रोक नहीं सके और अपनी सीटों पर ठीक से टिक न पाने के कारण लड़खड़ाने लगे। वे सभी देखने के लिए अपनी गर्दनें झुका रहे थे, शुरुआती कीमत सुनने के लिए कान खड़े हो गए थे और अद्भुत अमृत के लिए अपनी बोली लगाने के लिए उत्सुक थे। हाथ में स्पिरिट इंटेंसिफाइंग अमृत के साथ उन्हें भविष्य में स्पिरिट हान स्पिरिट बीस्ट द्वारा खुद को मारे जाने के बारे में चिंता करनी होगी और सबसे महत्वपूर्ण समय में अपने साथी शिष्यों से परे असाधारण शक्तियां हासिल करने में सक्षम होंगे। भले ही यह सिर्फ एक दिन के लिए ही क्यों न हो, वे मजबूत आत्मिक जानवरों से मुकाबला करने में सक्षम होंगे जिनका वे आमतौर पर सामना करने की हिम्मत नहीं करते, और बेहतर गुणवत्ता वाले स्पिरिट स्टोन उन्हें प्राप्त होंगे जिससे उन्हें स्पिरिट हंट बेहतर स्कोर प्राप्त हो सकता है जो अंततः उन्हें ज़ेफिर अकादमी के आवंटित संसाधनों का एक बड़ा हिस्सा दिलाएगा जिससे भविष्य में अकादमी में उनका जीवन बहुत आसान हो जाएगा। इस नीलामी के लिए हमारे पास उपलब्ध स्पिरिट इंटेंसिफाइंग एलिक्सिर की कुल संख्या 5 है। प्रत्येक अमृत का निर्धारित आधार मूल्य 50,000 टन है। अब आइए हम नीलामी के लिए रखे गए पहले अमृत के लिए बोली लगाना शुरू करें। मंच पर भीड़ का उत्साह देखकर मंच पर खड़े नीलामीकर्ता को चुपचाप राहत मिली। जैसे ही उसे हे चांगले का पूर्व अनुस्मारक याद आया, उसने अचानक बेहद प्रेरित महसूस किया। वाह, 50,000। अगर हम उन सभी को बेचने में कामयाब रहे तो इसका मतलब होगा कि हमारे पास कम से कम 250,000 टन होंगे, है ना? कियाओचू ने अपने अचानक सूखे होठों को चाटे हुए कहा। फेयान ने उस पर अपमानजनक नजर डाली और कहा, 250,000 टेल्स, तुम सचमुच बहुत भोले हो। कियाओचू ने फेयान की ओर पलके झपकाई। इससे पहले कि वह कुछ भी बोल पाता, नीचे का फर्श अचानक फट गया। 60,000, 70,000, 1,00,000, एक के बाद एक युवक कूद पड़े। बिना किसी अपवाद के वे सभी ज़ेफिर अकादमी की वर्दी पहने हुए थे, एक ऐसी जगह के रूप में जो केवल अश्लील और गंदे अमीरों को अपने शिष्यों के रूप में रखने के लिए प्रतिष्ठित थी। वे सभी जो ज़ेफिर अकादमी की वर्दी में खुद को ढालने में सक्षम थे, उन्होंने अपने ऊपर एक निर्विवाद प्रतीक पहन लिया जो कि विशाल धन और अपार संपत्ति को दर्शाता था। परिवार और उनके पीछे की शक्तियां, दसियों हजार या यहां तक कि सैकड़ों हजार टन का पैसा उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, खासकर अगर वे जो खरीद रहे थे वह अंततः उनकी अपनी जान बचाएगा तो पैसे को बहुत कम चिंता का विषय माना जाता था। पलक झपकते ही पहले स्पिरिट इंटेंसिफाइंग एलिक्सिर की कीमत आश्चर्यजनक रूप से 1,20,000 टन तक पहुंच गई थी। कियाओचू की आंख उभरी और लगभग उसके सिर से बाहर निकल गई। क्या ये युवा यहां इस घर में थोड़े अतिवादी नहीं है? मीठे स्वर्ग, बोलियां हजारों की संख्या में उछलती हैं। क्या वे यहां रेत के कणों के बारे में बात कर रहे हैं? बहुत जल्द पहला स्पिरिट इंटेंसिफाइंग एलिक्सिर ज़ेफिर अकादमी के एक शिष्य ने 1,30,000 टेल्स की बोली के साथ जीता था।
दमनकारी तरीके से इतनी चौंका देने वाली रकम फेंकने के बाद भी युवा खुशी से खड़े हो गए और नीलामी घर के साथ ज़ेफायर अकादमी के अन्य सभी युवाओं के लिए गर्व से हाथ हिलाया। उसके असुधार्यकारियों ने वहां मौजूद सभी लोगों को परेशान कर दिया, जिससे अन्य सभी युवाओं के दिलों में आग भड़क उठी। वे सभी एक ही अकादमी से थे, वे जानते थे कि उन्हें दोबारा नहीं हारना चाहिए। उनके कौशल का स्तर इस बात पर निर्भर था कि वे कितने प्रतिभाशाली थे और वे इस तथ्य को बदल नहीं सकते थे। लेकिन जब अमीरी की तुलना करने की बात आई तो वे भी आसान नहीं थे। पहले युवा द्वारा प्रथम स्पिरिट इंटेंसिफाइंग अमृत और उसके क्रोधपूर्ण तानों को जीतने में कामयाब होने के बाद उसके बाद की गई नीलामी अनगिनत गंदे अमीर शिष्यों के बीच एक भयंकर और उग्र बोली युद्ध में बदल गई। दूसरे अमृत के बाद से प्रत्येक आत्मातीव्र अमृत की कीमत 100 से अधिक 50,000 टन हो गई। चौंका देने वाली मात्रा ने अन्य शक्तियों के सभी बाहरी लोगों को तुरंत यह निर्णय लेने पर मजबूर कर दिया कि अमृत उनसे कहीं अधिक है। स्पिरिट इंटेंसिफाइंग एलिक्सिर का प्रभाव आश्चर्यजनक हो सकता है, लेकिन यह एक ही उपयोग तक सीमित था। ऐसी किसी चीज पर 100,000 टन से अधिक खर्च करना केवल ज़ेफ़िर अकादमी के गंदे अमीर शिष्यों द्वारा ही हासिल किया जा सकता था, जिनके पास अपने स्वयं के भले के लिए बहुत अधिक पैसा था। थोड़े ही समय में स्पिरिट इंटेंसिफाइंग एलिक्सिर के सभी पांचों को साफ सुथरा कर दिया गया और सभी विजेता बोलियां ज़ेफ़ायर अकादमी के शिष्यों द्वारा लगाई गई, जिससे उपस्थित अन्य सभी लोगों को अवसर से वंचित कर दिया गया। एक बार फिर चैन लिन टाउन के लोगों ने ज़ेफ़ायर अकादमी के शिष्यों की साहसिक और आश्चर्यजनक खर्च करने की शक्ति देखी। दूसरे स्तर पर एक निजी कमरे में क्याओ चू स्पिरिट इंटेंसिफाइंग एलिक्सिर की बिक्री से प्राप्त धन के लिए रकम जुटा रहा था। उसकी आंखें चौड़ी थी और वह मुस्कुराना बंद नहीं कर पा रहा था। छोटी अदिति, तुम्हें ये अमृत बनाने में कितना समय लगेगा, क्याओ चू ने अदिति से पूछा। राजपूत, उसकी आंखें रुचि से चमक रही थी। अदिति राजपूत ने एक पल सोचा और उत्तर दिया, एक दिन। क्याओ चू ने हाँफते हुए कहा और फिर हंसते हुए कहा, हाँ हाँ, क्या आप एक दिन में एक अमृत का उत्पादन करने में सक्षम है? हाँ हाँ। क्या इसका मतलब यह नहीं होगा कि आपके पास हर दिन खर्च करने के लिए 130,000 टन होगी? अदिति राजपूत ने शांत होकर उत्तर दिया, एक स्टोव एक बार में 20 गोलियां पकाता है। क्याओ चू का जबड़ा खुला रह गया और वह उसे बंद नहीं कर सका। यहां तक कि फेई यान भी किनारे पर खड़े होकर जोर से हांफने लगा। जल्द ही चैन लिन नीलामी घर ने दूसरी वस्तु को मंच पर लाया, जिसे वे नीलामी के लिए रखने जा रहे थे। यह दूसरे प्रकार का अमृत था और इस अमृत का प्रभाव और कार्य आत्मा को तीव्र करने वाले अमृत से कहीं बेहतर था। स्पिरिट इंटेंसिफाइंग एलिक्सिर के लिए प्राप्त परिणामों से उत्साहित होकर नीलामीकर्ता थोड़ा और बढ़ा चढ़ाकर बताने के लिए पर्याप्त आश्वस्त महसूस कर रहा था। इसे सर्वनाशक अमृत कहा जाता है। यह सैकड़ों प्रकार के जहर और विषाक्त पदार्थों का प्रतिकार कर सकता है। नीलामीकर्ता ने अपना वाक्य पूरा भी नहीं किया था कि वह अचानक फर्श पर भीड़ से गूंजने वाले बहरे शोर में डूब गया। अधिकांश जहरों का प्रतिकार करता है। यह आत्मा को तीव्र करने वाले अमृत से कहीं अधिक उपयोगी है। जहर का सेवन करने वालों से बचाव करना बेहद कठिन था और कुछ रिंग आत्माएं स्वाभाविक रूप से जहर से सुसज्जित पैदा हुई थी। यदि उन पर ऐसी आत्माओं द्वारा हमला किया गया तो उन्हें युद्ध में गंभीर नुकसान होगा। इसके अलावा कई स्पिरिट बीस्ट जहर से हमला करने में भी सक्षम थे, विशेष रूप से वे जो उच्च ग्रेड के थे, और जहर की शक्ति जितनी अधिक ग्रेड की होती थी उतनी ही बढ़ जाती थी। यदि आत्मा को तीव्र करने वाला अमृत, जिसने उन्हें उनकी आध्यात्मिक शक्तियों को अस्थायी रूप से बढ़ावा दिया, उनके साथ ले जाने के लिए एक अनूठा हथियार था, तो सभी को दूर करने वाला अमृत निश्चित रूप से एक वास्तविक और निर्विवाद ताबीज बनने के योग्य होगा जो उन्हें जीवित रखेगा। उस समय न केवल ज़ेफ़ायर अकादमी के शिष्य उत्साहित थे, बल्कि विभिन्न प्रमुख शक्तियों के अन्य सभी लोग जो ज़ेफ़ायर अकादमी के शिष्यों को भर्ती करने का प्रयास करने के लिए चैन लिन टाउन आए थे, अब खुद को रोक नहीं सके। ऐसे अविश्वसनीय प्रभाव वाला अमृत, चाहे वह व्यक्ति कोई भी हो, प्राप्त करना अत्यंत कठिन माना जाएगा। ऑल डिस्पेलिंग अमृत के लिए शुरुआती बोली स्पिरिट इंटेंसिफाइंग अमृत से अधिक थी। प्रत्येक व्यक्तिगत अमृत 100,000 टन से शुरू होगा। और इस बार न केवल ज़ेफ़ायर अकादमी के शिष्य बोली में भाग ले रहे थे, बल्कि जिनके पीछे विभिन्न शक्तियों से मजबूत वित्तीय सहायता थी, वे भी इस तरह के अविश्वसनीय अमृत को पाने का मौका नहीं खोना चाहते थे। बहुत तेजी से बढ़ाकर 250,000 टन कर दी गई। उत्साहित नीलामीकर्ता द्वारा चिल्लाकर बताई गई कीमत ने क्याओ चू को खुशी से झूमने पर मजबूर कर दिया। उन्हें जल्द ही पता चला कि नीलामी के लिए रखी गई वस्तुओं के लिए हासिल की गई कीमत भीड़ को बढ़ाने में नीलामीकर्ता के कौशल से काफी प्रभावित थी। हर बार जब बोलियां थोड़ी देर के लिए रुक जाती थी तो नीलामीकर्ता हमेशा भीड़ को उकसाने और उत्साहित करने के लिए आगे आता था, दुर्लभतम अमृत के चमत्कारी प्रभावों और पहले कभी उपलब्ध नहीं होने वाले गुणों के बारे में बढ़ा चढ़ाकर बताता था और भीड़ को एक बार फिर से एक नई चीज के लिए उत्साहित करता था। उत्साह का स्तर और कीमत तुरंत एक और गुना बढ़ जाएगी। छोटी अदिति, मुझे लगता है कि उस समय ज़ेफ़ायर अकादमी के गेट के सामने हमने जो अमृत बेचा था वह बहुत सस्ते में दे दिया गया था।
अगर हम इसे यहाँ चैन लिन नीलामी घर में लाए होते तो हमें निश्चित रूप से कम दोगुनी कीमत मिलती। क्याओ चू ने उत्साह से कहा, उसकी आंखें चौड़ी हो गई, ऐसा लग रहा था कि वह नीलामीकर्ता के उकसावे में फंस गया है। हालांकि चैन लिन नीलामी घर वास्तव में एक बड़ा प्रतिष्ठान नहीं माना जाता था, लेकिन उनके साथ मौजूद यह नीलामीकर्ता अपने काम में काफी अच्छा था। भीड़ को प्रभावित करने और नियंत्रित करने की उनकी क्षमता ऊपर से देख रहे साथियों की आंखें खोलने वाली थी। अदिति राजपूत ने हल्का सा सिर हिलाया। उसने उम्मीद नहीं की थी कि अमृत का इतना अच्छा स्वागत होगा। हालांकि इस तथ्य के अलावा कि अदिति राजपूतों के अमृत उच्च श्रेणी के थे, इसकी लोकप्रियता का एक बड़ा हिस्सा मंच पर खड़े नीलामीकर्ता की गपशप के उपहार के कारण था, और माहौल को गर्म करने की उनकी क्षमता भीड़ को एक गर्म उत्साह में ले गई, जहां वे स्वेच्छा से जिस वस्तु को वे दिल से चाहते थे उसे जीतने के लिए उन्होंने अपनी बोलियां बढ़ा दी और अपने पैसे झोंक दिए। कहो, क्या सर्वनाशक अमृत वास्तव में सभी जहरों को दूर कर सकता है? क्या यह म्यू कियान फैन को ठीक नहीं करेगा अगर हम उसे सिर्फ एक दे दें? कियाओ चू ने अचानक पूछा। अदिति राजपूत ने सिर हिलाया। उस दिन मैंने उसे जो अमृत दिया था वह ऑल डिस्पेलिंग अमृत था। अमृत सामान्य जहरों पर प्रभावी है, लेकिन मुकियान फैन को जो जहर दिया गया है वह मध्य क्षेत्र से आया है, और ऑल डिस्पेलिंग अमृत इसे बेअसर करने में सक्षम नहीं है। कियाओ चू को तुरंत ज्ञान प्राप्त हुआ और उसने एक बार फिर पूछने से पहले सिर हिलाया, सभी दूर करने वाले अमृत के लिए आप उन्हें बनाने में कितना समय लेते हैं? अदिति राजपूत जवाब देने ही वाला था कि कियाओ चू ने अचानक अपना हाथ उठाया और कहा, नहीं रुको, मुझे मत बताओ। यह बेहतर है कि मैं नहीं जानता या मुझे नहीं लगता कि मेरा दिल इसे स्वीकार कर सकता है। ऑल डिस्पेलिंग इलिक्सिर की कीमत स्पिरिट इंटेंसिफाइंग इलिक्सिर से अधिक थी, और जो व्यक्ति अपने पास एक भी तांबा नहीं रखने का आदि था वह अदिति की बात से काफी भयभीत था। राजपूत जवाब में कहते थे, जैसे एक दिन में दसियों अमृत पैदा करना। अदिति राजपूत ने हार मान ली और उसकी सांस बचाने का फैसला किया। यदि कियाओ चू को ही पता होता तो वे स्वर्ग अदिति के अमृत को चुनौती देते। राजपूत ने जेफिर अकादमी के द्वार के सामने पहले ही बेच दिया था कि उसने एक महीने में उनमें से 100,000 बना लिए थे। कियाओ चू की सदमे से मौके पर ही मौत हो गई होगी। अदिति राजपूत के अमृत को एक के बाद एक बैच के लिए नीलामी के लिए लाया गया और कीमतें लगातार बढ़ती गई। जब तक वहां मौजूद किसी भी व्यक्ति के पास खर्च करने के लिए पैसे थे, उन सभी ने भयंकर बोली युद्ध में भाग लिया। नीलामी घर के अंदर का उग्र माहौल हर गुजरते पल के साथ एक नई चरम सीमा पर पहुंच गया, और मंच पर नीलामकर्ता के शब्द गर्जना कर रहे थे। एक अंतहीन मूसलाधार नदी लगातार भावनाओं को उत्तेजित कर रही थी, भीड़ को अपनी बोली बढ़ाने के लिए आकर्षित कर रही थी, बिना सोचे समझे अपना पैसा उछाल रही थी। नीलामी में आइटम उत्साह में चेहरे टेढ़े हो गए, मानो कोई भूत हो। मंच के पीछे हे चांगले के चेहरे की मांसपेशियां मुस्कुराने के कारण लगभग ऐंठन हो रही थी, और वह पहले से ही सीधे खड़े होने के लिए संघर्ष कर रहे थे, लेकिन वह खुद को घटनास्थल से जाने के लिए मजबूर नहीं कर सके, और उन्होंने नौकरों से कुर्सी लाने के लिए आवाज लगाई ताकि वह थोड़ी अधिक आरामदायक स्थिति में शो देख सके। नीलामी के बाद अमृत के तीसरे और चौथे बैच को जल्द ही पूरी तरह से साफ कर दिया गया। अंतिम प्रकार के अमृत को जल्द ही फर्श पर मौजूद भारी भीड़ की निगरानी में धीरे धीरे मंच पर लाया गया। मंच पर नीलामीकर्ता पहले से ही पसीने से नहाया हुआ था और उसके कपड़े भीगे हुए थे। उसका चेहरा उत्तेजना से लाल हो गया था और उसे जरा भी थकान या थकावट महसूस नहीं हो रही थी। जब पांचवें प्रकार के अमृत को मंच पर लाया गया तो उन्होंने इसे अपना सर्वश्रेष्ठ परिचय देने के लिए एक बार फिर खुद को इकट्ठा किया। हमारे पास यहाँ जो कुछ है वह आज हमारे पास मौजूद अमृतों का आखिरी बैच भी है। ये अमृत जो प्रभाव देते हैं, मैं यहाँ इसकी गारंटी देता हूँ, मेरे दिल की बात है, जो कुछ भी हमने कभी खरीदा है उससे कहीं अधिक है। इन अमृतों को कहा जाता है शीतनिद्रा अमृत। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई कितना गंभीर रूप से घायल हो गया है, जब तक वह सांस ले रहा है इस अमृत को निगल ले और यह व्यक्ति को 3 दिनों के लिए निलंबित एनिमेशन की स्थिति में लाने में सक्षम करेगा। जिन 3 दिनों में अमृत आपको खरीदता है वे सबसे अधिक होंगे गंभीर रूप से घायलों के लिए अमूल्य और सबसे महत्वपूर्ण अवधि। नीलामी घर के विशाल हॉल में सन्नाटा छा गया। हर एक जोड़ी आंखें छोटी ट्रे पर परम जीवन रक्षक हाइबरनेशन अमृत को अटूट रूप से देख रही थी। निलंबित एनिमेशन की स्थिति में प्रवेश करने से अनजाने में उपचार या बचाव के लिए एक और समय मिल जाएगा। हालांकि वे अमृत निगलने से ठीक नहीं होंगे, लेकिन अमृत उन्हें लगातार चिपके रहने की अनुमति देगा और उन्हें मौत के दरवाजे से ठीक पहले जीने का एक और मौका देगा। दुनिया दुर्घटनाओं और अप्रत्याशित परिस्थितियों से भरी हुई थी, टकराव अंतहीन थे और कोई भी अचानक अपने सामने मौत को घूरता हुआ पा सकता था, और हाइबरनेशन अमृत उन्हें वापस खींच लेगा और उन्हें अपने जीवन के लिए लड़ने के लिए पूरे 3 दिन खरीद लेगा। जो लोग दीर्घकालिक पुरानी बीमारियों से पीड़ित हैं और जो गंभीर रूप से घायल हैं, इन लोगों को औसत आदमी की तुलना में हाइबरनेशन अमृत की गंभीर आवश्यकता होगी। ईमानदारी से कहूं तो मैं स्वयं इस हाइबरनेशन अमृत के लिए बोली लगाना पसंद करूंगा।
मेरे पास मौजूद एकमात्र जीवन की रक्षा के लिए यह मेरी आखिरी चिप होगी। प्रत्येक हाइबरनेशन अमृत के लिए शुरुआती बोली 2,00,000 टन है। मैं लूंगा इस बार केवल एक अपवाद बनाएं। मैं 210,000 टेल्स की पहली बोली लगाऊंगा और यदि हर कोई मुझे सम्मान की अनुमति देगा तो यह अमृत मेरे लिए ही रखा जाएगा। पहली बार नीलामीकर्ता ने एक अभूतपूर्व कदम उठाया था और उसकी अभिव्यक्ति लगभग प्रसन्नता में देखी गई थी। यदि केवल वही शब्द जोर से न बोले गए होते, एक बार बोलने के बाद भीड़ एक बार फिर दहाड़ने लगती। आमतौर पर नीलामी घर के लोगों को नीलामी के लिए रखी गई वस्तुओं की बोली में भाग लेने की अनुमति नहीं थी और प्रमुख नीलामीकर्ता के रूप में वह पहले से ही अनगिनत दुर्लभ और बहुमूल्य खजानों को देखकर स्तब्ध हो गया होगा। और अब जब नीलामकर्ता स्वयं ही प्रलोभित हो गया था और उसने उस वस्तु के लिए बोली लगा दी थी तो भीड़ अभी भी शांत कैसे बैठ सकती थी और कुछ नहीं कर सकती थी। अगले ही पल भीड़ उमड़ पड़ी और नीलामी एक नए चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई। शुरुआती बोली 2,00,000 थी और कीमत बहुत तेज गति से बढ़ गई। जिस गति से कीमतें बढ़ाई गई वह पहले कभी नहीं देखी गई। ऐसा तभी हुआ जब पहले हाइबरनेशन एलिक्सिर की कीमत ने 5,00,000 टन का आंकड़ा तोड़ दिया, तभी गति धीमी होनी शुरू हुई। 5,00,000 टन पहले से ही सबसे प्रीमियम अमृत के लिए आरक्षित मूल्य तक पहुंच चुके थे और पहले केवल किंग यू कबीले के अमृत ने कभी उस मूल्य सीमा का आदेश दिया था। अगर इसमें और बढ़ोतरी हुई तो कीमत यहां के कई लोगों की पहुंच से बाहर हो जाएगी। नीलामीकर्ता ने देखा कि बोलियां आनी बंद हो गई थी और उसे पता था कि यह अपने चरम पर पहुंच गई है। उसने आखिरी बोली के लिए लगातार 3 बार चिल्लाकर कहा और सौदा पक्का करने के लिए अपना हथौड़ा नीचे पटकने ही वाला था कि अचानक एक स्पष्ट आवाज आई, 1,000,000। वह आवाज दूसरे स्तर के एक निजी कमरे से आई थी। उसी क्षण जब वह आवाज आई सभी का सिर ऊपर उठ गया और उस स्रोत की ओर देखने लगे जहां से आवाज आई थी। उस निजी कमरे में 4 आकर्षक और अच्छे दिखने वाले पुरुष बैठे थे और वे महंगे कपड़े पहने हुए थे। जो बोल रहा था वह उनमें से सबसे छोटा था और उसकी उम्र केवल 15 या 16 वर्ष ही लग रही थी। वह आश्चर्यजनक विशेषताओं वाला एक सुंदर दिखने वाला युवक था। हालांकि उनके राजसी आचरण के कारण लोगों को उस भूमि को अपवित्र करने का डर महसूस होता था जहां वे खड़े थे। आकर्षक दिखने वाले युवक ने पहली मंजिल पर मौजूद भीड़ पर अपनी तिरस्कार भरी निगाहें घुमाई। नीचे मौजूद बड़ी संख्या में मौजूद लोगों के प्रति उनकी नजर में घोर अवमानना ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया क्योंकि उनके दिलों में भागने की चाहत बढ़ गई। मंच पर नीलामीकर्ता अवाक पूरी तरह से स्तब्ध खड़ा रह गया। चैन लिन नीलामी घर में नीलामीकर्ता होने के अपने लगभग 1 दशक के दौरान उन्होंने कभी भी इतनी अविश्वसनीय कीमत पर कोई वस्तु नहीं बेची थी। एक एकल अमृत एक आश्चर्यजनक 10,00,000 टन के लिए। नीलामकर्ता का हथौड़ा पकड़ने वाला हाथ स्पष्ट रूप से कांप रहा था। क्या कोई अन्य बोली होगी? आकर्षक दिखने वाले युवक ने लोगों की भारी भीड़ पर अपनी उदासीन दृष्टि डालते हुए पूछा। उसके मुंह पर एक आलसी और आत्मसंतुष्ट मुस्कान आ गई। पूरे नीलामी घर में सन्नाटा छा गया। थोड़ी देर बाद जब नीलामीकर्ता ने आकर्षक दिखने वाले युवक की अधीर निगाहें उसे घूरते हुए देखी तो उसने अचानक 3 बार बोली लगाने की जल्दबाजी की। जब उन्हें यकीन हो गया कि कोई अन्य बोली नहीं आ रही है तो उन्होंने अपना हथौड़ा उठाया और पहले हाइबरनेशन अमृत की कीमत तय कर दी। हथौड़ा चलने के बाद नीलामी घर का माहौल अचानक थोड़ा अजीब हो गया। भीड़ में से जिन लोगों ने पहली हाइबरनेशन अमृत को अपनी पकड़ से बाहर निकलते देखा उन्होंने चुपचाप अपने दांत पीस लिए और अपनी आंखें ऊपर की ओर कर ली। दूसरे स्तर पर निजी कमरे में घूरते हुए पूरी स्थिति के बारे में असंतुष्ट महसूस कर रहे थे। क्या वह छोटा लड़का इतना मूर्ख था कि वह एक ही अमृत पर इतनी बड़ी रकम उड़ा देगा? यह अवश्य सत्य है कि मूर्खों को धन की प्राप्ति होती थी। कोई बात नहीं, अभी 4 और अमृत आने वाले हैं और उन्हें जल्दी करने की जरूरत नहीं है। हालांकि उन सभी लोगों को जल्द ही पता चला कि उनकी बहुप्रतीक्षित दिल की इच्छा उनकी पहुंच से परे थी। नीलामीकर्ता ने दूसरे अमृत के लिए शुरुआती बोली की घोषणा की ही थी कि उसी निजी कमरे में युवाओं ने तुरंत एक बार फिर 10,00,000 टेल्स के लिए अविश्वसनीय बोली लगा दी। बाद के सभी 4 अमृतों के लिए उन्होंने उनमें से प्रत्येक के लिए 10,00,000 टन की आश्चर्यजनक बोली लगाई जिससे भीड़ में मौजूद लोगों को अपनी सांसें पकड़ने के लिए हांफने पर मजबूर होना पड़ा। सभी 5 हाइबरनेशन अमृत उस अकेले युवा युवक के हाथों में गिर गए थे। कियाओचू ने गुप्त रूप से उस युवा की प्रशंसा की जो इतने आश्चर्यजनक धन के साथ इतनी उदारता से लापरवाह था और अपने साथियों से कहा, मैंने सोचा था कि मैंने सबसे हास्यास्पद और पागलपन तब देखा था जब छोटी अदिति ने पहले पैसे खर्च किए थे और मैंने ऐसा कभी नहीं देखा होगा। सोचा था कि उससे भी ज्यादा पागल किसी से मिलूंगा। 5,000,000। क्या उसके घर में पैसा यूं ही नदी के रास्ते बहता रहता है? अदिति राजपूत ने कियाओचू की ओर देखा और सरलता से कहा, मैं जरा भी पागल नहीं हूँ। उस चकाचौंध की ठंडक कियाओचू तक पहुंची और वह तुरंत शांत हो गया।
उसने जल्दी से एक कप पानी निकाला और अदिति को देने का आग्रह किया। राजपूत ने कहा, मैं वास्तव में वहां आपके बारे में बात नहीं कर रहा था, मैं वहां उस आदमी का जिक्र कर रहा था। अदिति राजपूत ने प्रस्तावित पानी स्वीकार कर लिया और उसमें से एक घूंट पी लिया। क्याओचू ने आखिरकार बड़ी राहत की सांस ली। इस बीच नीलामी घर में माहौल काफी अजीब सा होता जा रहा था। उपस्थित विभिन्न शक्तियों के लोगों ने उपलब्ध 5 में से एक हाइबरनेशन अमृत प्राप्त करने पर अपना ध्यान केंद्रित किया था और उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि कोई इतनी लापरवाही से उन्हें पूरी तरह से वंचित करने के लिए इतनी बड़ी धनराशि फेंक देगा। उस पल उनका गुस्सा साफ तौर पर महसूस किया जा सकता था। लोगों के कुछ समूह आक्रामक तरीके से दूसरे स्तर तक पहुंचे और उस निजी कमरे में जाने वाले दरवाजों को लात मारकर खोल दिया, जिसमें आकर्षक दिखने वाला युवक था। उन्होंने गुस्से भरे स्वर में कहा, अरे बदमाश, आप यहां बहुत अहंकारी हो रहे हैं। 5 हाइबरनेशन अमृत, क्या आप उन सभी को खत्म कर सकते हैं? युवक ने लापरवाही से उन लोगों के समूह पर नजर डाली जो अभी अभी अंदर आए थे और उसके होठों पर एक व्यंग्यपूर्ण मुस्कान फैल गई। अन्य 3 आदमी जो उस युवक के साथ थे चुपचाप बैठे चाय की चुस्की ले रहे थे। उन लोगों के समूह की ओर देखने की जहमत भी नहीं उठा रहे थे जो अभी अभी अंदर आए थे। मैं इसे वहन कर सकता हूँ और उनके लिए बोली लगाकर खुश हूँ, आप मेरे साथ क्या कर सकते हैं? यदि आप वास्तव में उन्हें इतना चाहते थे तो आप अपने पैसे का उपयोग कर सकते थे और मुझसे अधिक बोली लगा सकते थे। आपको मेरा वचन है, जब तक आप में से कोई भी 10 लाख तेल से ऊपर की बोली लगाता है, भले ही वह केवल एक तेल ही क्यों न हो, मैं अपनी बोली नहीं बढ़ाऊंगा। युवक ने अपनी बाहें फैलाकर घुसपैठियों के समूह को चुनौती देते हुए कहा, आपको लगता है कि आप इतने महान सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि आपके पास पैसा है? वे लोग अवाक रह गए और अपने सीने में अपने गुस्से को बटा हुआ महसूस कर रहे थे। जब वे क्रोधित हो रहे थे तो उनकी मुट्ठियां कसकर भींच ली गई थी। 1 मिलियन, उनके पास इतना पैसा कैसे होगा? उपस्थित विभिन्न शक्तियों में से अधिकांश लोगों के पास केवल कुछ लाख टन ही थे। युवाओं को मात देने के लिए उनके पास पैसे कहां से आने वाले थे? इतना भी घटिया नहीं, कम से कम उन लोगों की तुलना में जो भुगतान नहीं कर सकते और फिर गुस्से और धमकी पर उतर आते हैं। मैं थोड़ा बेहतर हूँ, युवक ने यह सब मुस्कराहट के साथ कहा। उसका लहजा अत्यधिक अहंकारपूर्ण था। एक क्षण में समूह के हट्टे कट्टे लोगों की आंखें युवाओं के तिरस्कार और तिरस्कार से अचानक लाल हो गई। ये सारी घटनाएं अदिति के एक अन्य निजी कमरे से स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी। राजपूत और उसके साथी अंदर थे। यह देखकर कि युवा युवक ने पुरुषों के समूह के क्रोध को भड़का दिया है, क्याओचू ने थोड़ी उत्सुकता से पूछा, छोटी अदिति, लोग आपके सबसे अच्छे ग्राहक को धमकाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या मुझे जाकर उसकी मदद करनी चाहिए? उसने पूछते समय अपनी मुठिया रगड़ी, थोड़ी सी कार्रवाई के लिए उत्सुक था। अदिति राजपूत ने अपनी आंखें उठाई और उसने अपनी ठंडी निगाहें दूसरे निजी कमरे में मौजूद 4 लोगों की ओर देखने से पहले कहा, वह चैन लिन नीलामी घर का ग्राहक है, उनका उससे कोई लेना देना नहीं था। मैं आपको अन्य लोगों के व्यवसाय से दूर रहने की सलाह दूंगा, फेई यान ने क्याओचू के कंधे पर हाथ रखते हुए धीरे से चिल्लाया और उसने अपनी ठुड्डी से दूसरे निजी कमरे की ओर इशारा किया। क्याओचू ने मुड़कर देखा और उस निजी कमरे से रेलिंग के ऊपर से एक आकृति निकली जो नीलामीकर्ता के मंच पर भारी मात्रा में गिर रही थी। प्रभाव से उसका सिर सीढ़ियों पर टूट गया और खून नदी की तरह सीढ़ियों से बह रहा था। क्याओचू की आंखें आश्चर्य से फैल गई और उसने फिर से दूसरे निजी कमरे में देखने के लिए अपना सिर उठाया। उसने देखा ही नहीं कि युवक ने कब कदम उठाया था। समूह में जो भी आदमी कमरे में घुसे थे उनमें से हर एक को एक के बाद एक रेलिंग के पार फेंक दिया गया था। निजी कमरे केवल दूसरे स्तर पर थे और सही है, लोग उस ऊंचाई से गिरने से नहीं मरेंगे, लेकिन ऐसा लगता है कि यह सब युवाओं द्वारा जानबूझकर किया गया था। जब रेलिंग पर फेंकने से पहले सभी पुरुषों के हाथ पैर तोड़ दिए गए थे और यह बहुत भयावह रूप से संयोग लग रहा था कि वे सभी लोग अपने सिर के पिछले हिस्से के साथ किनारों से टकराकर गिरे थे पहले कदमों पर, जिसने उन सभी को तुरंत मार डाला। पलक झपकते ही कितनी लापरवाही और बेरहमी से जान ली जा रही थी। पश्चाताप या सहानुभूति का एक भी अंश दिखाए बिना और अधिक तीव्र होती गई। युवाओं के लिए यह सब एक खेल से ज्यादा कुछ नहीं था। उसने जो मारे वे तो मात्र कीड़े मकौड़े थे। क्याओचू अचानक शांत हो गया। उस युवक के तरीके सचमुच असाधारण रूप से दुर्भावनापूर्ण थे। एक त्वरित झटके में निजी कमरे में घुसे सभी लोगों को नीचे फेंक दिया गया और एक ही पल में उनकी मौत हो गई। खूनी और रक्तरंजित दृश्य ने तुरंत जमीनी स्तर पर भीड़ को भयभीत कर दिया और हर कोई चिल्लाने लगा और हवा में खून से भरी बदबू के नीचे भागने की कोशिश करने लगा। जो लोग आगे की पंक्ति में बैठे थे उन्होंने अचानक खुद को खून के छींटों से बुरी तरह ढका हुआ पाया जब पुरुषों के सिर फट गए थे। वे अपने पैरों में बहुत कमजोरी महसूस कर रहे थे और नीलामी हॉल से रेंगते हुए बाहर निकलते समय वे अपनी चीखें नहीं रोक पा रहे थे। उत्साह के चरम पर था, अचानक ऐसी संवेदनहीन हत्या से बुरी तरह बाधित हो गया। भीड़ लगातार भागने की कोशिश कर रही थी और नीलामी घर जल्द ही खाली हो गया।
बहुत ही कम समय में उग्र उत्साह की जगह अचानक ठंडी शून्यता ने ले ली और युवाओं से आने वाली गूंजती हंसी असामान्य रूप से चुभने वाली लग रही थी।